ओके जेंटलमैन, जैसा कि आपको ज्ञात है 31 दिसंबर को सुबह हमें 8:20 पे ये इंटेलिजेंस मिला था कि एक सस्पेक्टेड वेसल, सस्पेक्टेड बोट पोरबंदर से 265 किलोमीटर साउथ वेस्ट में आने वाला है और उसमें कुछ सस्पेक्टेड और सस्पिशंस टाइप मोमेंट उस बोट में है। उसके हिसाब से हमने अपने एयरक्राफ्ट और शिप्स यहां से लॉन्च किए और दोपहर को 1 बजे हमने उस सस्पेक्टेड बोट को पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर लिया था और साइमल्टेनियसली हमने अपने जहाज को भी डाइवर्ट कर दिया था। सो रात को 12 बजे के बाद हमारा जो जहाज था राजरतन एरिया में जाके उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में हमने उस बोट को रोकने की कोशिश की एज पर जो एसओपी होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं उसके हिसाब से पहले हमने उनको वीएचएफ पे बात करने की कोशिश की लेकिन उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद लाउड हेलर से हमने उसकी रोकने की कोशिश की, फिर विजुअल हाथ देखने की कोशिश की लेकिन वो बोट बिल्कुल अनलिफ्ट थी और उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसको हम हॉट परस्यूट में चेस करते रहे और वो एक डायरेक्शन में नहीं था बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में वो अपना कोर्स चेस करते जा रहे थे। फिर 1.5 घंटे की चेस के बाद हमें 4 आदमी उस बोट के ऊपर दिखाई दिए और थोड़ी देर के लिए उन्होंने लाइट ऑन की और वो देखने में बिल्कुल फिशरमैन नहीं थे और उन लोगों ने टी शर्ट्स और हाफ पैंट पहना हुआ था। तो इससे और ज्यादा सस्पिशन हुआ कि इनके नेक भी नीचे नहीं है और फिशरमैन की पोशाक में भी ये लोग बाग नहीं है। तो हमने फिर दोबारा उनको कोशिश की बोट रुकने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए, फिर उन्होंने लाइट बंद किया और उन्होंने फिर भागना स्टार्ट किया। इस दौरान जिसको हम हॉट परस्यूट बोलते हैं, हॉट चेज हम करते रहे, फिर बोट नहीं रुकी। उसके बावजूद हमने उसको अक्रॉस द बाउज, जो बोट का जो आगे का हिस्सा होता है, हमने 2-3 शॉट फायरिंग किया और उसके बाद भी बोट नहीं रुकी। तो हमने एक बार दोबारा फायरिंग किया और उस फायरिंग के बाद में बोट रुकी, पर रुकने के बाद उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर भी उनको बोलते रहे लेकिन 2-3 घंटे की चेज के बाद और इन सब चीजों के बाद में सडनली हमें उस बोट की तरफ से आग की लपटें दिखाई दी। तो उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर लिया एंड आफ्टर दैट पूरी एजेंसीज का आपस में अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो देखते हैं कि हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं। सर, उसमें उन्होंने फायरिंग की थी या किस तरह का था और अभी मतलब सस्पेंशन फिर बोट वो अंदर चली गई या क्या? हाँ, वो तो मतलब एकदम उसमें अपने आप उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर लिया, खुद ही आग लगा दी और उसके बाद वो बोट वहीं पे सिंक हो गया। सर, इन लोगों के मृतदेह बरामद किए गए या बोट का कुछ उनका इन्वेस्टिगेशन में कुछ वहां से कुछ नमूने ले गए? वो डिब्रीज वगैरह हमने कलेक्ट करने की कोशिश की, अभी भी जहाज वहां पे है एंड पूरी पूरी कोशिश है कि कुछ डिब्री हम वहां से कलेक्ट करें लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है क्योंकि वो बोट कम्प्लीटली जल के नष्ट होकर पूरा सिंक हो गया। और वहां पे जो 4 बंदे थे उनका मतलब क्या अंदाजा लगा जा रहा है, क्या उनका कुछ वो हमें कुछ मिला नहीं उसके बाद। लगता है या तो उसी जब आग लगी थी, आग लगने के बाद या तो उसके अंदर जल के वो साथ ही बोट के साथ में डूब के लगता है। ऐसी कुछ बात चल रही है, ऐसे कुछ वो अभी हमारा जहाज वहाँ पे है, अभी जहाज आएगा आज शाम तक तो उसके बाद हम आपको उसके बारे में सूचित करेंगे। सर, अभी भी कोई शंकास्पद बोटें या तो कोई ऐसा? अभी तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं लेकिन जैसा आपको ज्ञात है कि 24/7 कोस्ट गार्ड का जहाज और एयरक्राफ्ट हमेशा सर्वेलेंस के ऊपर है और सिक्योरिटी के मामले में इसमें कोई ढील नहीं है, कोई कोताही नहीं है, बट वो एरिया बिल्कुल अंडर सर्वेलेंस। सर, यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात आने वाला है प्रवासी भारतीय दिवस है, कल ही सीएस ने भी मीटिंग करी थी सभी होस्टल को जरा अलर्ट रहने के लिए। तो ये दो आइकॉनिक इवेंट है और जैसे कि बताया कि पिछले बार भी पोरबंदर के दरिया किनारे से चांसेस मतलब उस तरह का ट्राई किया गया था, तो ये दोनों आइकॉनिक इवेंट को मद्देनजर रखते हुए कोई विशेष सतर्कता अभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी और सिक्योरिटी और ज्यादा हमने इंक्रीज कर दी है, सिर्फ ज्यादा भेज दिए हैं
और एयरक्राफ्ट की भी हमने यू नो ज्यादा सोर्टेज इंक्रीज कर दी है, पूरा एरिया इज बेसिकली अट सर्वेलेंस। सर एक ऐसा मैसेज भी रात को आया था कि दो और भी सस्पिशियस बोट पाकिस्तान, वो हमारी तरफ से नहीं था, वो इंटेलिजेंस ऐसा है कि नहीं है? नहीं, हमारी तरफ से कुछ ना, हम हमें इस चीज पे कोई ज्ञान है ना, कोई हमें कोई सूचना है ना, कोई ऐसा इंटेलिजेंस हमारे पास है। सर इसमें इन लोगों बोटों में से कुछ मतलब कि कोई सुराग या तो कुछ मिला है लिखा या तो मतलब वो अभी 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 कोशिश जारी है और सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश जारी है, जो भी कुछ मिलेगा हम आपको जरूर सुनाएंगे। सर जहां सिंक हुए समुद्र में डूबे कितनी हुई? बहुत है, वहां पे कम से कम 1000 मीटर है, 1000 से ज्यादा है। वो ऐसा कुछ नहीं है हमारी तरफ से, ये कोई इनपुट नहीं है, ये हमें ज्ञात नहीं है कहाँ से मिला। सर क्या लग रहा है आज आप वाले हैं क्या, मतलब किस तरह का आपका वहाँ का प्रोग्राम? नहीं, वो तो हमारा नॉर्मल ऑफिशियल विजिट है, ऑफिशियल विजिट है, वो तो जाते रहते हैं। और बेसिकली अभी यू नो समुद्र साइड से सिक्योरिटी साइड से कोई कोताही नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंस हमें मिली थी और जिस पोजीशन में हमें इंटेलिजेंस के बारे में बोला गया था वहीं पर ये सस्पेक्टेड वेसल्स मिली थी, तो उसी के हिसाब से सभी ये एक्शन हुआ। सर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई और दूसरे दो यहाँ पे आ चुकी है ऐसा कुछ? इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास इसके मामले में कोई एनआईए ने इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी मांगी इस पूरी घटना के? देखो ये अभी हेडक्वार्टर लेवल पे सब यू नो जितनी भी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनका आपस में सब कोऑर्डिनेशन चल रहा है और इसके ऊपर सब बेसिकली ये अभी यू नो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो जो भी कुछ चीज सामने आएगी हम आपको जरूर बताएं। सर अगर बता सके तो अभी कि अभी कितने मतलब कि जहाज और हेलीकॉप्टर वहां पे अपने? आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा कोस्ट ऑफ गुजरात का अंडर सर्वेलेंस, हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली 24/7 दे आर डूइंग द पेट्रोलिंग एंड दे आर डूइंग द 100% विजिलेंस। सर कल दिल्ली में बैठक थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, पूरा हाई लेवल कमेटी की बैठक थी, उन पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे, वो हेडक्वार्टर लेवल पे वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो आपको जरूर बताएं। फिर आप और बंदे का दौरा करें क्या मकसद है और किससे? ये तो ऑफिशियल ग्लोबल है, नॉर्मल दौरा है, इसमें तो हमारा हर महीने विजिट होता रहता है, तो काफी दिन से गए नहीं है, दिस इज नॉर्मल ऑफिशियल। सर ये वोट आने के बाद और किस तरह से आप सिक्योरिटी बढ़ा दी है? बढ़ा दी है आपको बताया अभी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच एंड 100% यू नो द फुल एरिया इज टोटली वो जैसे टेबल की लाइन है।